तो इसलिए जो हम लोगों ने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाया उसका नामकरण किया चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसकी स्थापना की। हम लोगों ने चाणक्य ज्ञान विश्वविद्यालय सॉरी आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की। आईआईटी पटना में बनवाया हम लोगों ने, कुछ काम हो रहा था, कुछ सरकार ने उसके लिए किया था, जब हम लोगों को मौका मिला तब हम लोगों ने उस पर सारा काम किया। अर्थशास्त्र भी लॉ भी एक एक चीज का है, कैसे गवर्नेंस करना है एक एक चीज, इसलिए चाणक्य के नाम पर चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी बना। और चाणक्य ने जिस चंद्रगुप्त को बनाया था और चंद्रगुप्त में कितना अच्छा सेंस था कि कभी चाणक्य उससे नाराज नहीं हुए, तो इसलिए जो हम लोगों ने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाया उसका नामकरण किया चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसकी स्थापना की। ज्ञान विश्वविद्यालय आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट कौन थे, 1500 साल पहले उन्होंने जो काम किया एस्ट्रोनॉमी पर, गणित के बारे में, शून्य का आविष्कार किया, ये सब जो काम किया हुआ है आर्यभट्ट का। और तीन सेंटर उन्होंने बताया था खगोल के पास, खगोल तारेगना और सोन नदी, अभी सोन नदी है वहां उस तारेगना टॉप, वहां के सहारे पूरे दुनिया के का जो उन्होंने अध्ययन किया, ये सब भी हम लोगों ने चाणक्य ज्ञान विश्वविद्यालय सॉरी आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब उसमें जान लीजिए सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग का नहीं, उसमें हम लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी सबसे पहले शुरू कराया, और उसके बाद अभी चार संस्थान और बन गए, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पाटलिपुत्रा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंटर फॉर रिवर स्टडीज, जो नदियां हैं उसके बारे में पूरा अध्ययन होना चाहिए, सेंटर ऑफ फॉर रिवर स्टडीज और सेंटर फॉर ज्योग्राफिकल स्टडीज, भौगोलिक सब चीज को जानने के लिए, तो ये सब काम हम वहां पर कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने जो तीन नए संस्थान की स्थापना का लक्ष्य हमने रखा है, और आप लोगों को मालूम होगा अभी उसमें जो एक बिल्डिंग का ये सब चार सेंटर का उद्घाटन हो रहा था उस दिन भी हमने कह दिया है, सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ये जो एस्ट्रोनॉमी आर्यभट्ट की देन है, इनके चलते सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, सेंटर ऑफ फिलोसफी और सेंटर ऑफ स्टीम सेल रिसर्च, यह भी वहां बनाया जाएगा। और एक बात जान लीजिए, भागलपुर में ट्रिपल आईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भागलपुर में 50 एकड़ जमीन दिया, जब से हम आए शुरू से ट्रिपल आईटी के चक्कर में लगे थे केंद्र सरकार से, सब कुछ देकर के ट्रिपल आईटी वहां बनवाया। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना में, आईआईटी पटना में बनवाया हम लोगों ने, कितना जोर लगाया, उस समय तो अर्जुन सिंह जी थे, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी थे मंत्री, उनको हमने कहा, और जो मदद किया, और आईआईटी बन के तैयार, 500 एकड़ जमीन हम लोगों ने भेज दिया और आईआईटी पटना शुरू हो गया। एनआईटी पटना, जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में हम पढ़े, उस समय हम केंद्र में मंत्री थे, हम लोगों ने जो कुछ भी लोगों को यहां पर अनुरोध किया तो उसके आधार पर एनआईटी पटना भी बन गया। और एक एक चीज किसको एनआईटी जो किया गया, हम मुरली मनोहर जोशी जी को नहीं भूल सकते, वही उस समय शिक्षा मंत्री, हमने अनुरोध किया था तो मान गए कि हम वहीं से पढ़े हैं, इसको एनआईटी में परिवर्तित कर दीजिए। आप जरा देख करके उस बिल्डिंग को देख लीजिए, और उसके अलावा 125 एकड़ अलग से और जमीन हम लोगों ने दिया है, तो एनआईटी बन गया। निफ्ट बनवाया, इसके लिए भी हम गए थे, उस समय शंकर सिंह बघेला मंत्री थे, उनके पास गए, एग्री कर गए, निफ्ट भी बन गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, मुफ्त में जमीन दिया, सब बनकर के तैयार है, चल रहा है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय बहुत जमाने से बना हुआ है, लेकिन उसके लिए अंत में फिर नालंदा में जाकर के 10 एकड़ जमीन दिया गया, वहां पर अब काम शुरू हो गया। अब इसके अलावा इंडियन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर के लिए मीठापुर में 5 एकड़ जमीन, वो भी शुरू हो गया। और उसके अलावा मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय तो बना दिए थे नाम से, कुछ काम हो रहा था, कुछ सरकार ने उसके लिए किया था, जब हम लोगों को मौका मिला तब हम लोगों ने उस पर सारा काम किया,
और उसके बाद अब उसका बिल्डिंग लगभग पूरा बनकर के तैयार है। अभी उसके एक हिस्से का उद्घाटन हुआ है, एक हिस्सा और बचा, उस पर काम चल रहा है। तो एक एक काम हम लोगों ने किया। और उसके बाद पूर्णिया, मुंगेर, पाटलिपुत्र, तीन नए विश्वविद्यालय की स्थापना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गया में उसको भी जमीन दिया गया, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज में उसके लिए भी हम लोगों ने जमीन आवंटित कर दिया। तो एक एक काम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तीन हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर दिया, वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान नालंदा के पावापुरी में, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल बेतिया में, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मधेपुरा में, ये सब बन करके और काम फंक्शनल। तो एक एक चीज में तो हम लोगों ने काम किया। कृषि में क्या हुआ, नया कृषि विश्वविद्यालय सबौर में बनवाए भागलपुर में, 2010 से ही हम लोगों ने कर दिया। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो पूसा था उसको नेशनल यूनिवर्सिटी बनवाया गया। उसके अलावा बोरलॉग अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थान, बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया, उसका निर्माण पूसा में हुआ। 2006 में नालंदा के नूरसराय में उद्यान महाविद्यालय, 2007 में सहरसा में मंडन भारती कृषि महाविद्यालय, 2011 में डुमराव में वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय, वर्ष 2012 में पूर्णिया में भोला पासवान शास्त्री कृषि विश्वविद्यालय, और 2015 में किशनगंज में डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई।